आज हम सेल बायोलॉजी में फिर अगेन एक सेल ऑर्गेनल गोल्जी बॉडी स्टडी कर रहे हैं। गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, बिकॉज रीट प्री के अंदर गोल्जी बॉडी से ही क्वेश्चन आया था, और बहुत सी बार बहुत सारे इसके ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो अभी आपको पूरा मैं इसके बारे में स्ट्रक्चर वर्क एवरीथिंग आपको सिखा दूंगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के अंदर गोल्जी बॉडी, जो अपना एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। क्लियर? गोल्जी बॉडी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं ने की, इसका मतलब हुआ जिसने खोज की थी उसका सरनेम पर इसका नाम है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एकल झिल्ली युक्त, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, एकल झिल्ली युक्त, मैंने कहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कोशिकांग है, ठीक है, एकल झिल्ली युक्त, मैंने कहा क्या है बोलो, ये कोशिकांग। तीसरी बात, यह बहुत सारे नाम वाला, ठीक है, नाम वाला बोले तो पॉलीनोमल, मैंने कहा बहुत सारे नाम वाला, ठीक है, कोशिकांग है। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कुछ पॉपुलर नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी को गोल्जी, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसी को गोल्जी एपरेटस, एपरेटस मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी इसी को बोलते हैं। मैंने कहा गोल्जी बॉडी तो बोलते हैं ही हैं, उसके अलावा इसे बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं, इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, डाल्टन मैंने कहा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हर किसी ने जिसने इसमें थोड़ा बहुत काम किया अपना नाम दे दिया, इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिक्टियोसोम, बोलो डिक्टियोसोम किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो फंजाई कवक में इसको डिक्टियोसोम से नाम से जाना जाता है। इसी को मैंने कहा आइडियोसोम भी कहते हैं, इसी को मैंने कहा लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में आया होगा सर हम कैसे याद रखेंगे, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको अगेन एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको ध्यान रहेंगे ये सारे नाम, ओके। देखो अगर आपने देखा होगा किसी का एक नाम हो तो अच्छा है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो वो आपसे मैं कहूँ ओरिजिनलिटी में पहचान नहीं जाता कि क्या उसका रियल में नाम है। ऐसे ही अपना जो दिल है वो किसी एक का हो तो बहुत है, एक से ज़्यादा का होने पर वो दिल बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा ट्रिक क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बेकार गया दिल, ठीक है, बोलो गोल्जी बॉडी के लिए कह रहा हूँ बेकार गया दिल, इसमें बेकार से तो हो जाएगा बेकर्स बॉडी, बोलो आपसे गया से गोल्जी बॉडी, गोल्जी एप्रेशर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने कहा दिल, दिल के अंदर एक दिल में है बोलो डाल्टन, आपसे मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ओके, बोलो डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, आई से क्या हो जाएगा आइडियोसोम, एल से क्या हो जाएगा लिपोकॉन्ड्रिया, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूँ गया में गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बेकर्स से बेकर्स बॉडी। आई होप आपको ये फेमस नाम ध्यान रहेंगे, स्पेशली डिक्टियोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नंबर फोर्थ, मैंने कहा जो गोल्जी बॉडी होती है, बोलो इसकी स्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में निम्न तीन बोलो भाग होते हैं। एक होता है
सिस्टरनी, सिस्टरनी एक होता है, ट्यूबल्स, ठीक है, ट्यूबल्स, और एक होता है वेसिकल्स, वेसिकल्स, ओके, जिसको हम पुटिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटिकाएं हैं। बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ कि हमें जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। बोलो, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपसे मेरे को कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, ओके। ये मैं गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी की होती है। दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूं, यहां पर ये बीच में नोड होता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है, ये है सिस्टर्नी। बोलो, क्या है? सिस्टर्नी। क्लियर? ये पहला भाग सिस्टर्नी है, ये होता है नंबर 2 ट्यूबल्स, जो कि ब्रांच पार्ट होता है, और ये होता है वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स मतलब पुट्टी काए, जिसको हम सिक्रेटरी, आप समय को यूनिट भी कहते हैं, स्त्रावी इकाई भी कहते हैं, ओके। अब ये जो सिस्टर्नी होती है, उसका ये जो भाग होता है, दिस वन, इसको बोलते हैं सिस फेस। और मैंने कहा ये जो भाग होता है, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस, ओके। तो जो सिस फेस होता है, वो आपको नजर आ रहा होगा, कॉन्वेक्स होता है। ट्रांस फेस होता है, वो कॉनकेव, आपसे मैं करूं फेस होता है। ये फॉर्मिंग फेस होता है, ये मैच्योरिंग फेस होता है। अब आपसे मैं कह रहा हूं, आपके रिट प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया कि आपसे मैं कह रहा हूं, निम्न में से कौन से कोशिकांग के अंदर सिस और ट्रांस फेस उपस्थित होती है? तो आंसर होगा गोल्जी बॉडी। आई होप आपको स्ट्रक्चर्स क्यों इतनी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सी बार मैंने देखा है कि सेल ऑर्गेनल की स्ट्रक्चर को स्टूडेंट किताबों में लिखी हुई वैसे याद करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको स्ट्रक्चर का मतलब है, उसमें काम की चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बिकॉज आपको कोई नहीं कहेगा कि किसी की स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें याद हो जाए। आई होप मैं क्या बताना चाह रहा था, तीनों भाग को मुझे बताना था, और सिस्टर्नी के सिस और ट्रांस फेस को मुझे बताना था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद बात करें, मैंने कहा फंक्शन, यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ठीक है, कि उत्पत्ति, आपसे मैं करूँ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडो प्लाज्मिक, मैंने कहा रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है, अंतःपरदेवी जालिका से होती है। और उसके बाद अगर अपन जाने फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिकांग है जिसके बहुत सारे काम हैं, और हर वर्क अपने आप में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसा पहला नंबर 1 मैंने कहा स्पर्म यानी शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, मैंने कहा एक्रोसोम, ठीक है। बोलो, एक्रोसोम का निर्माण। आप सब जानते हो कि जो स्पर्म होता है, उसके हेड में एक्रोसोम सबसे आगे का भाग होता है, उसका निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। दूसरा कार्य, बोलो आपसे मेरे को, स्पर्मेटिड, ठीक है, को स्पर्म में बदलना, स्पर्म में बदलना, ये भी कार्य किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। एक्चुअली जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, तो स्पर्मेटिड पहले बनता है। बोलो आपसे मैं करूं इसको, बोलो स्पर्म में बदलने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। क्लियर? गोल्जी बॉडी यानी जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड, और आपसे मैं को स्पर्म में बेसिकली अंतर इसी बात का होता है कि स्पर्म फ्लेजिलेटेड होता है, उसके बाद टेल होती है, जबकि स्पर्मेटिड में टेल नहीं होती है। तो आपसे मैं करूँ, स्पर्म को मूवेबिलिटी के लिए टेल होना जरूरी है, तो गोल्जी बॉडी द्वारा स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदला जाता है। एक एक कार्य इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद तीसरा कार्य देखें, यह है कोशिका पट्टी, मैंने कहा सेल प्लेट, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूं, सेल प्लेट का निर्माण बोलो करता है। ओके, उसके बाद और देखें तो ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल, मैंने कहा सेल वॉल, ठीक है। बोलो के मटेरियल, आपसे मेरे को मटेरियल का निर्माण करता है। उसके अलावा यह है, मैंने कहा बोलो सेल मध्य पटलिका, मध्य पटलिका जिसका नाम सुना होगा मिडिल लेमिला, ठीक है। मिडिल बोलो आपसे मैं ले मी ली, ठीक है। बोलो का निर्माण कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का स्त्रावण स्त्रावण करके करता है। बात समझ में आई? ये भी किसका काम है बोलो? गोल्जी बॉडी का। बोलो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी प्राथमिक लाइसोसोम, बोलो आपसे मैं प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम ठीक है का निर्माण आपसे मैं कह रहा हूं बी करती है। इतने सारे काम है इसके, एक एक काम बोलो इंपॉर्टेंट है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य पटलिका किससे मिलके बनी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, मेनली कैल्शियम पैक्टेट ज्यादा होता है, मैग्नीशियम पैक्टेट कम होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कौन सा कोशिकांग बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए गोल्जी बॉडी। कोशिका भित्ति का मटेरियल बोलो गोल्जी बॉडी, कोशिका प्लेट आप सेल प्लेट, और मैंने कहा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों फंक्शन, स्पर्म का एक्रोसोम का निर्माण और स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलना। आपसे मेरे को आई होप आपको दोस्तों ये गोल्जी बॉडी टॉपिक भी समझ में आया होगा। ऐसा सेल ऑर्गेनल जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कोशिकांग है उसके बारे में तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, खोजकर्ता और जनरल पॉइंट्स, उसके बाद उसकी कोई यूनिक बात जैसे गोल्जी बॉडी की यूनिक बात है कि इसके बहुत सारे नाम है, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। आई होप आपसे मैं करूँ ये आपको छोटा कोशिकांग समझ में आया होगा। कमेंट्स करके मुझे बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और अपने फंडे क्लियर करते रहें। बायोलॉजी बहुत इजी होता है, डिपेंड करता है आपका नज़रिया कैसा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।